हेलो फ्रेंड्स, बिजनेस मंथा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से बिजनेस आइडियाज, मोटिवेशन, मार्केटिंग और पब्लिसिटी के बारे में जानकारी देते हैं, जो नए बिजनेस शुरू करने वालों के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। आपको बिजनेस से संबंधित वीडियो में रुचि है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें, जिससे वीडियो के अपलोड होने की सूचना मिलती रहे। आज हम जानकारी दे रहे हैं स्लीपर यानी चप्पल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में। स्लीपर का इस्तेमाल घरों या बाहर दोनों जगहों के लिए किया जाता है। बाजार में विभिन्न प्रकार के स्लीपर बिकते हैं। कई छोटी बड़ी कंपनियां स्लीपर मैन्युफैक्चरिंग करके अच्छा लाभ कमा रही है। आप भी इस बिजनेस को शुरू करके प्रतिमा अच्छी कमाई कर सकते हैं। स्लीपर बनाने के लिए कच्चे माल के तौर पर हवाई रबर सीट्स और स्टेप सीट्स की आवश्यकता होती है। मशीनों में हैंड ऑपरेट होल कटिंग मशीन, होल मेकिंग मशीन, फिनिशिंग या ग्राइंडिंग मशीन, विभिन्न रंगों और डिजाइन के लिए डाई कटिंग मशीन, हैंड ऑपरेट टूल एवं पैकिंग मशीन की आवश्यकता होती है। सबसे पहले रबड़ की सीट को सोल कटिंग मशीन की सहायता से काटने की आवश्यकता होती है। एक ही डाई के साइज से पूरी सीट को काटा जाता है। यदि मशीन उच्च कोटि की हो तो कटिंग के दौरान ही चप्पल में फीते के स्थान पर सुराख हो जाता है। कटिंग के बाद इसे ग्राइंडिंग मशीन की सहायता से स्लीपर के चारों तरफ के खुरदुरे भाग को प्लेन किया जाता है। चप्पल की कटिंग हो जाने के बाद इसे विभिन्न रंगों और डिजाइन में प्रिंट किया जाता है, जिससे स्लीपर का आकर्षण बढ़ जाए। प्रिंटिंग के लिए काफ़ी कम खर्च आता है। स्लीपर प्रिंट हो जाने के बाद इन्हें सूखने के लिए रखा जाता है। सूख जाने के बाद इसे ड्रिलिंग मशीन की सहायता से आवश्यक स्थानों पर सुराख को बड़ा किया जाता है। इसके बाद स्टेप डालने की मशीन यानी हैंड ऑपरेट टूल की सहायता से इसमें फीते डाले जाते हैं। अब ये मार्केट में बिकने के लिए तैयार है। स्लीपरों की पैकेजिंग के लिए अनेक प्रकार के बॉक्सों का उपयोग होता है। स्लीपरों के लिए बॉक्स चाहे तो आप स्वयं भी तैयार कर सकते हैं अथवा मार्केट से तैयार बॉक्स को खरीदकर भी उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रहे, पैकिंग के दौरान बॉक्स पर अपनी कंपनी का ब्रांड लोगो या स्टिकर जरूर लगवाएं, जो कंपनी को पहचान दिलाती है। आप अपने ब्रांड की पब्लिसिटी के लिए पेपर, टीवी या रेडियो, पोस्टर या होर्डिंग के माध्यम से कर सकते हैं। इसकी मार्केटिंग के लिए शहर के सभी छोटे बड़े जूते चप्पलों की दुकानों में संपर्क कर सकते हैं। यदि आप बड़े स्तर पर स्लीपर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो शोरूम और मॉल में भी सप्लाई दे सकते हैं। आप चाहे तो इसकी सेलिंग के लिए जगह जगह शोरूम भी तैयार कर सकते हैं। स्लीपर बनाना वैसे तो आसान है, लेकिन मेरा मानना है यदि आप स्लीपर मैन्युफैक्चरिंग उद्योग शुरू करना चाहते हैं तो स्लीपर बनाने की ट्रेनिंग अवश्य लें। ट्रेनिंग के लिए आप खादी ग्रामोद्योग से संपर्क कर सकते हैं, जिसका लिंक ब्लॉग में दिया गया है। ट्रेनिंग के लिए आप अपने क्षेत्र के जिला उद्योग केंद्र में भी संपर्क कर सकते हैं, जहाँ समय समय पर इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग लेने से बहुत सी जानकारी मिल जाती है। ट्रेनिंग के दौरान प्रैक्टिकल करने से मशीन का सही तरीके से इस्तेमाल करना आ जाता है। उद्योग को शुरू करने से संबंधित बहुत सी बातों के बारे में पता चल जाता है, जिससे आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बेझिझक उद्योग को आरंभ कर सकते हैं। इस उद्योग को छोटे स्तर पर शुरू करने के लिए 1 लाख रुपए की और बड़े स्तर पर शुरू करने के लिए 5 से 6 लाख रुपए की आवश्यकता होती है। इसी तरह से छोटे स्तर पर स्लीपर मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको कम से कम 300 वर्ग मीटर की जगह की आवश्यकता होगी, जहां पर उद्योग से संबंधित मशीनों को फिट कर सके। स्लीपर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में यदि आप छोटे स्तर पर बिजनेस करते हैं तो प्रतिमाह 30 से 40 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। यदि आप बड़े स्तर पर करते हैं तो प्रतिमाह लाखों रुपए कमा सकते हैं। स्लीपर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए MSME के अंतर्गत व्यापार रजिस्ट्रेशन या उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके अलावा आपको अपने ब्रांड का पंजीकरण ISI के अंतर्गत दाखिल करवाना होगा। व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको ट्रेड लाइसेंस, फर्म का करंट बैंक अकाउंट, पैन कार्ड आदि की आवश्यकता होती है। उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन होने पर आप स्लीपर मैन्युफैक्चरिंग उद्योग के लिए बैंक से लोन भी ले सकते हैं। पावर टिप्स, सबसे ज़रूरी बात है स्लीपर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। स्लीपर की क्वालिटी अच्छी होगी तो आपको मार्केट में अपनी जगह बनाने में अधिक समय नहीं लगेगा। स्लीपर की क्वालिटी अच्छी रखने के लिए आपको इसके लिए अच्छे क्वालिटी का रबर सीट इस्तेमाल करना चाहिए। मार्केट में लो क्वालिटी का रबर सीट भी मिलता है, जिससे अच्छे क्वालिटी के स्लीपर तैयार नहीं होते हैं। स्लीपर की कटिंग सही हो और उसकी फिनिशिंग भी अच्छी तरह से होनी चाहिए।
उद्योग शुरू करने से पहले आवश्यक लाइसेंस और परमिशन अवश्य लें ताकि बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने में कोई बाधा ना आए। फ्रेंड्स, स्लीपर मैन्युफैक्चरिंग उद्योग के बारे में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में एक नई बिजनेस मंत्रा के साथ। नमस्कार।